टॉपिक एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है राइट द फॉलोइंग द सेट ऑफ द बिल्डर फॉर्म। हमारे पास सबसे पहले सेट के बारे में बताना चाहिए। सेट दो या दो से ज़्यादा अशिया का मजमुआ, ठीक हो गया, वो हमारे पास सेट कहलाता है। हमारे पास बिल्डर फॉर्म में हम लोगों ने चेंज करना है, कोई भी सेट हमारे पास दिया गया होगा, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 1000 तक है, हम लोगों ने इसे एक फॉर्म में चेंज करना है। वो फॉर्म कौन सी है? वो बिल्डर फॉर्म है। वो बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करना है, तो सॉल्यूशन देखें। एक्स और एक्स हमारे पास बिलोंग्स टू एन, क्या है इसमें नेचुरल नंबर है। क्या है नेचुरल नंबर? क्या होते हैं वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, वही 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। और एक्स जो है, एक्स हमारे पास सेट का नाम है, कहाँ तक जा रहे हैं? 1000 तक जा रहे हैं। तो 1000 तक हो गए, तो 1000 देखें लेस देन, या तो 1000 है या 1000 से छोटे होने, तो लेस देन एंड इक्वल। अब ये हमारे पास या तो 1000 से छोटे आने हैं या उसके बराबर आने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखें 1000 आ रहा है, तो 1000 हम लोगों ने उसके बराबर रख लिया, तो इससे कम वाले नंबर इसमें शामिल हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर क्या लिखा है, लेस देन लिखा है। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें वो कहता है कि हमारे पास पाकिस्तान के शहरों के नाम है, एक है पिशावर, दूसरा है लाहौर, तीसरा है कराची और चौथा है क्वेटा। ये हमारे पास प्रोविजंस है, किसके हैं ये? पाकिस्तान के हैं। ये हम लोगों ने एक अपने बिल्डर फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिखना है? एक्स और एक्स हमारे पास इज़ द कैपिटल ऑफ, कैपिटल हमारे पास जो हमारे पास ये हमारे पास सबसे बड़े हैं, जैसे पंजाब का हो गया, सिंध का हो गया, बलूचिस्तान का हो गया और केपीके का हो गया। हमारे पास ये क्या है? कैपिटल है। किसके? प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान के। समझ आ गई है? इसी तरीके से हमारे पास जो है, हमारे पास सेट ऑफ ऑल दी ऑड नेचुरल नंबर, क्या है हमारे पास ऑल नेचुरल नंबर, वो कौन कौन से हैं? ऑड का पूछा है, ऑड नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो 1, 3, 5, 7, 9 वो हमारे पास ऑड नंबर होते हैं, लेकिन उसने शर्त रखी है, उसने क्या कहा है, नेचुरल नंबर का बोला है ऑल ऑड नंबर। अब हम लोग सारे ऑड नंबर लिख नहीं सकते, उसको हम लोगों ने एक फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्डर फॉर्म में। वो कौन सी फॉर्म लिखेंगे? एक्स और एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर का एक सेट कहलाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके मैंने चंद एक पार्ट लिखे हैं, बाकी इसके पार्ट हैं वो आप लोग खुद कीजिएगा। देखें उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है राइट इज अ फॉलोइंग इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म है, उसको हम लोगों ने चेंज करना है। वो क्या है हमारे पास? 1, 2, 3, 4 हमारे पास ये एक सेट दिया गया है। अब देखिए वो इसका सलूशन है, वो किसका है? द सेट ऑफ ऑल, ऑल हमारे पास क्या है? सारे के सारे। द फर्स्ट 10, अब 10 हमने 10 तक रखने हैं नेचुरल नंबर, वो लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 10 तक हम लोगों ने एक सेट में लिखना है, वो टेबुलर फॉर्म में आ गया हमारे पास। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आप लोग, उसने कहा है कि हमारे पास विच इज द फॉलोइंग द सेट आर द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। पहले आप लोगों को फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बताता हूँ। फाइनाइट वो नंबर जो हमारे पास एक महदूद होते हैं, और इनफाइनाइट वो नंबर जो हमारे पास लामहदूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, 50 बच्चे बैठे हैं, वो क्या है? फाइनाइट है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान की अवाम भी क्या है? 22 करोड़ अवाम है, हम लोगों ने उसे काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो क्या है? फाइनाइट है। इसी तरीके से हमारे पास मिट्टी के ज़रात जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, कोई पता नहीं वो कितने ज़रात हैं, जैसे कि सितारे हो गए हैं, ठीक हो गया, वो हमारे पास इनफाइनाइट हैं। वो चीज़ें जो हम लोग इजीली काउंट कर सकें वो क्या कहलाते हैं? फाइनाइट कहलाते हैं। और जो इजीली हम लोग काउंट ना कर सकें वो क्या कहलाते हैं? इनफाइनाइट कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी, वो कहते हैं द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर, कि आप लोगों की क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने होंगे, 50, 60, 70, तो हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। ये क्या होंगे हमारे पास? फाइनाइट कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? फाइनाइट कहलाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास अब देखें द सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर किसे बोलते हैं? जो हमारे पास बटा की फॉर्म में आ जाते हैं, बटा की फॉर्म में आ जाते हैं, या फिर उसके पास हमारे पास
रैशनल नंबर किसके दरमियान में पूछ रहा है, जीरो और वन के दरमियान। लग तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा इसके अंदर, कोई फर्क नजर नहीं आया, लेकिन जब हम लोग उसको बटा की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास इतने नंबर आते हैं, इतने नंबर आते हैं जिससे हम लोग इजीली काउंट नहीं कर सकते। ये क्या होंगे हमारे पास, इनफिनाइट। तो ये चीज हम लोगों ने देखने हैं कि फिनाइट और इनफिनाइट। इसके बाकी और भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं। वो कहता है राइट द राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग द सेट। हमारे पास इसके दो प्रॉपर हमारे पास क्या बनाने हैं, सेट बनाने हैं। वो कौन कौन से हैं दो जो इसमें बनते हों। अब जो पहला सेट दिया गया प्रॉपर, हमारे पास क्या है, जो प्रॉपर वो सेट होता है जो उस सेट में मौजूद हो। ये नहीं होगा आप अपनी मर्जी से सेट नहीं बना सकते। प्रॉपर सब हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो सेट जो हमारे पास उस सेट के अंदर मौजूद हो, प्रॉपर सबसेट। सबसेट अब फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल आप लोगों की एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे पास जो पेरेंट्स हैं वो एक सेट हैं, और जो उनके जो बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके सबसेट कहलाते हैं, लेकिन होते उनमें से ही हैं वो क्या कहलाते हैं, उनके सबसेट कहलाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक सेट दिया गया है ए बी सी, इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग, वो सोल्यूशन लिखेंगे ए बी, देखें ए और बी दोनों इस सेट में मौजूद हैं। इसी तरीके से ए और सी भी इस सेट में क्या है, मौजूद है। उसने बोला टू प्रॉपर सबसेट हम लोगों ने बनाने, वो हम लोगों ने बना लिए। अब एक दूसरा वो दिया गया है नेचुरल नंबर एन दिया गया, एन फॉर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का एक सेट है। अब नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, वो नंबर होते हैं जो वन से लेकर एन सो ऑन जारी रहते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं, इवन भी होते हैं ऑड भी होते हैं, वो हमारे पास हैं। अब लोग मैंने देखे हैं आप लोगों के सामने मैंने क्या लिया है, प्रॉपर सबसेट हमारे पास 1, 3, 5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 2, 4, 6 ये मैंने ऑड नंबर को क्या कर लिया है, अलहदा कर लिया है, और इवन नंबर को मैंने क्या कर लिया है, अलहदा कर लिया है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, इसके प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे इस नेचुरल नंबर के। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे, वो कहता है इज देयर एनी सेट, हमारे पास एक सेट है विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। अब वो कौन सा है प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट, हमारे पास इसके सेट लिखने हैं, इसके क्या लिखने हैं, सेट लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखें यस, हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता, वो कौन सा होता है, वो होता है एम्प्टी सेट, खाली सेट, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट हम लोग लिख सकते हैं। उसका नाम भी लिख दिया मैंने यस, और उसका सेट भी लिख दिया है प्रॉपर सबसेट। इसी तरीके से वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए व बी एंड एक सेट है दूसरा, वो कौन सा है, ए वी। अब हमारे पास इसके अंदर हमारे पास डिफरेंस निकालने हैं, वो कौन कौन सा डिफरेंस है। देखिए बेटा जी हमारे पास सबसे पहले डिफरेंस क्या है, वो कहते हैं ए व बी इज सेट कंटेन टू एलिमेंट्स। हमारे पास दो एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं, ए और बी हैं। अब जो दूसरा सेट है उसके अंदर दो ब्रैकेट्स आई हुई हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एक सेट की ब्रैकेट है, वो भी सेट की ब्रैकेट है, लेकिन उस सेट के अंदर एक और सेट है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हों वो लिखे काउंट हमारे पास सिंगल एलिमेंट काउंट होंगे। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ए व बी इज अ सेट कंटेन वन एलिमेंट। तो हमारे पास इसके अंदर एक एलिमेंट है, वो कौन सा है, ए और बी, लेकिन हम लोगों को नजर दो आ रहे हैं, लेकिन एक ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी ब्रैकेट्स आ जाएंगे, जितने भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, उतने ही सिंगल एलिमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिंगल एलिमेंट कहलाएंगे। अब पावर सेट हमारे पास की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कहता है, पावर सेट बताना है, पावर सेट की किसी की किस सेट में कितने एलिमेंट हैं,
उतने ही हमारे पास सेट बनने चाहिए। तो सबसे पहले देखें 2 की पावर में n लिख देता हूं, n हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है, किसके, उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्वेश्चन नंबर 9 में वही है जो पावर सेट बनाने हम लोगों ने, इसके पावर सेट लिखने हैं कि इस सेट के कितने सेट बनेंगे। हमारे पास इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 2 मतलब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4 उसके कितने बनेंगे, एलिमेंट्स बनेंगे। तो उस 4 के मुताबिक हम लोगों ने चलना है। तो सबसे पहले हम लोग सेट बनाएंगे, पहले तो हमारे पास खाली सेट बनेगा, उसके बाद हमारे पास सिंगल एलिमेंट लगाएंगे, सिंगल एलिमेंट हो गए, पहले खाली सेट बनाना है, उसके बाद सिंगल जितने बनते हैं सिंगल बनाने हैं, उसके बाद हम लोगों ने उसके डबल बनाने हैं, 2 एलिमेंट्स लेने हैं। अब 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 9 है और कोई और एलिमेंट नहीं है। तो हम लोगों ने पावर सेट के मुताबिक हम लोगों ने सवाल किया, वो कहता है 2 एलिमेंट्स हैं तो 4 सेट बनेंगे। तो कौन कौन से, पहले खाली सेट बना है, उसके बाद 9, उसके बाद 11 और उसके बाद 9 व 11, जी हमारे पास सेट बन गए। अब एक और एग्जांपल करते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 9 में। अब हमारे पास प्लस माइनस ज़र्ब और तकसीम है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, कितना होता है, 16 होता है। तो 16 हमारे पास के क्या बनेंगे, सेट बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें जी, पहले क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस ज़र्ब तकसीम, सिंगल एलिमेंट हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखना है, डबल एलिमेंट लिखने हैं, प्लस माइनस, उसके बाद प्लस ज़र्ब, इसी तरीके से प्लस डिवाइड। अब प्लस के साथ डबल हो गए, अब माइनस के साथ करते हैं, माइनस ज़र्ब माइनस तकसीम। याद रखिएगा हम लोगों ने आगे की तरफ चलना है, पीछे की तरफ नहीं चलना। इसी तरीके से अब माइनस के साथ हो गए, अब ज़र्ब के साथ चलते हैं, ज़र्ब तकसीम, ये डबल हो गए। अब ट्रिपल की तरफ चलते हैं, हमारे पास प्लस माइनस ज़र्ब प्लस माइनस तकसीम, इसी तरीके से प्लस ज़र्ब तकसीम, इसी तरीके से हमारे पास अब प्लस की ओर बनते हैं, प्लस माइनस ज़र्ब हो गया, प्लस माइनस तकसीम हो गया, इसी तरीके से प्लस ज़र्ब तकसीम हो गया, इसी तरीके से हम लोग माइनस ज़र्ब तकसीम हो जाएगा, और इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ज़र्ब और तकसीम। ये हमारे पास 16 सेट बने हैं। इन सेट के मुताबिक, क्यों, वो हमारे पास 4 एलिमेंट्स दिए गए थे, उन 4 एलिमेंट्स के मुताबिक हमारे पास 16 सेट बनने चाहिए, वो हमारे पास 16 सेट बने हैं। तो 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। ये हमारे पास एक पावर सेट है कि एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसको पावर में लिखें, और उसकी पावर 2 की पावर जितनी बनेगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, सेट कहलाएंगे, और उसको प्रॉपर सेट के मुताबिक हम लोगों ने बनाना है। थैंक यू सो मच।